अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी आवर न्यू ब्रांड पॉडकास्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछला पॉडकास्ट तो देख लिया हुआ, अगर अभी तक पिछला पॉडकास्ट देखा नहीं है तो आई सजेस्ट, जैसे मेरे मानने के तहत, तो जाके पहला पिछला पॉडकास्ट देख लें, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फजल से मिलना चाहते थे। जिस भाई ने और जिस बहन ने कमेंट किया उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और एक भाई ने मीटअप का मतलब कमेंट किया था फजल भाई से। तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह एक ग्रैंड मीटअप रखेंगे। तो पिछले पॉडकास्ट में CR7 फजल से मिलना चाहते थे, यानी कि नहीं मिलना चाहते थे। तो CR7 फजल के भाई मिस्टर जूट से मिलना चाहते थे। आखिर है ये मिस्टर जूट कौन और कहाँ से आया? तुम लोग भी परेशान हो गए हो, ये मिस्टर जूट है कौन? मिस्टर जूट फजल के भाई हैं जो CR7 के करीबी तरीन दोस्तों में शुमार होते हैं। तो अभी बुलाते हैं मिस्टर जूट और फजल को, जो आज के हमारे गेस्ट हैं। हेलो, हाय मिस्टर जूट जी, मैं हूँ फजल। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं यहाँ पे आया था अपने भाई के कहने पे, मिस्टर जूट के। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई को, अभी जानते होंगे, पहले से नहीं जानते, तो मैं इसके कहने पे आया था पहले यहाँ पे। वो एक्चुअली मैंने ही बोला था भाई को कि वो मेरा आना नहीं हुआ, मैं पुर्तगाल में था, पुर्तगाल में बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की वजह से मेरा आना नहीं हुआ। मेरा भाई से बात हो गया फजल से, मैंने उसको कहा कि मेरी जगह आप ये पॉडकास्ट कर लो। तो फजल भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं दरअसल हमारे ऑडियंस को बता दें? तो यार दरअसल में जो है बात ये है कि मैंने अपना भाई का हमशक्ल होने का पूरा फायदा उठाने का कोशिश किया, पर भाई आने पर, जैसे कि मिस्टर जूट के आने के बाद ये हुआ कि अभी मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, अभी मैं खुद शौक में हूँ। दरअसल मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप दोनों एक साथ बैठे हो यार। तो फजल भाई मुझे थप्पड़ मारे मतलब सही है, यकीन आ गया। तो यार अभी मैं खुद शौक में हूँ, मिस्टर जूट और फजल भाई, इनके हेयर स्टाइल सब कुछ चेंज है, बस सिर्फ हेयर स्टाइल का कलर और कपड़ों का कलर बस चेंज है, बाकी सब कुछ एज टू एज सेम टू सेम है। मैं खुद परेशान, अब लोगों को बताओ कि हकीकत क्या है, क्योंकि मेरी तरह लोग भी परेशान है, शौक में, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हूँ, शौक में हूँ। तो आप लोगों को बताओ कि हकीकत क्या है। अरे सबर सबर, क्या मैं सलमान खान की जुड़वा फिल्म देख रहा हूँ? आस्ते आस्ते एक एक करके बताओ, चलो आप ही बता दो कि हकीकत क्या है, आप ही बता दो। अच्छा था भाई, हम हकीकत पूछ रहे हैं तो हकीकत ऐसे है कि वो हम लोग बचपन से एक साथ हैं, तो फुटबॉल हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, और उसका आगे जाने का वजह ही मैं हूँ, क्योंकि वो बहुत गरीब घराने से था उसको मैंने बहुत सपोर्ट किया और उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं वहाँ पे वो CR7 के घर पे ही रहता हूँ, बल्कि उसने मेरे लिए अलग सा एक घर खरीदा है और हम वहीं पे रहते हैं। और मेरे जो है ना वाइफ, वो भी पुर्तगाली है। वो दरअसल में जो है मेरा आना इसलिए हुआ कि बहुत ज़्यादा थायर भाई आपको शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, इस काबिल समझा। तो यार पिछली मरतबा पॉडकास्ट में इस वजह से नहीं आ सका, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रहा था, मैं तो फ्लैट में बैठ गया था, फ्लैट जैसे ही लैंड किया वो आधी रास्ते में फंक्चर हो गया। वो फंक्चर होने के बाद बड़ा कमाल से सीन हो गया हमारे साथ। वो एक्चुअली ये हो गया कि वो फंक्चर होने के बाद मैंने अपना एक वो मर्सिडीज गाड़ी मंगवा ली, तो एक्चुअली वो गाड़ी पानी में भी चलता है, वो रोड पे भी चलता है और उड़ता भी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई नो पैसे में बड़ा ताकत है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद मैंने जो है ना तकरीबन वो क्या कहते हैं माच को उठा के मैंने वहीं पे गाड़ी को उतार दी। और दरअसल में वहाँ पे माच घोट बहुत अच्छा इलाका है, तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक मावा गुटखा लिया वहाँ से। एक्चुअली माच घोट का गुटखे का अपना बात है, वो आप सूखे जाते हैं। वो दरअसल में वो लेने के बाद मैं बड़ा सुरूर में होने के बाद यहाँ थायर भाई के पास आया। थायर भाई ने मुझे पिलाया एक जबरदस्त चाय। ओहो, ऐसा ही गोट में ताज़ा दूध मिलता है, और इस वजह से मैंने चाय पीने के बाद, वो अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है,
नींद आने की वजह यह है कि मैंने अभी ड्रिंक नहीं किया और एक्चुअली हमारा ड्रिंक तो हम सब आते यार। तुम लोग को एक पते की बात बता दूं, जैसे कि CR7 उसका शॉर्ट नाम है, तो शॉर्ट नाम हो CR7 यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और 7 जो है ना उसने मेरी मोहब्बत में मेरी दोस्ती के खातिर 7 मेरा फेवरेट नंबर है। ओ यार एक्चुअली टायर भाई जरा ऐसी बढ़ा दो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरी जो है ना और ये मेरा हेयर स्टाइल उसको बहुत ज़्यादा पसंद है आपको पता है, और इसीलिए मेरी पसंद के वजह से फजल भाई ने भी ऐसे हेयर स्टाइल रखा है। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हम दोनों भाई, आप लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि हम दो भाई हैं या एक ही बंदा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि अभी अभी भाई ने बताया मिस्टर जूट ने, इसका दास्तान तो आप लोगों ने सुन लिया। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, अगर किसी का ऐसा जुड़वा कोई भाई है कमेंट में जरूर बताएं। यही से हम अपने वीडियो को करते हैं अल्लाह हाफिज़ भाई, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, अगर किसी को गिला जा रही है उसके लिए हम माजरा चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक शेयर मस्ट है, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो यहीं से करते हैं अपने मेहमानों को अलविदा। ठीक होंगे उम्मीद कर, तुमने तो कहो अरे आज में नया दवा पकड़ा ही नहीं गया बिल्कुल भी सही, जैसे कि मैं बोल लोगों बीच क्योंकि वो बहुत गरीब घराने से था अद्दे।